CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला कविता मंजरी। मित्रों, कविता मंजरी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कार्यक्रम की इस श्रृंखला में आज हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि राजेश जोशी की एक कविता, एक माँ की बेबसी। तो आइए सुनते हैं ये कविता। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ, रतन जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह। देखने में हम बच्चों की ही तरह, लेकिन वह भी था एक बच्चा। लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था, क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, ना इशारों में कही उसकी बातों को, ना उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ, निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी, उसकी माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी। मित्रों, इस कविता को सुनकर आपके मन में भी कुछ लिखने की, चित्र बनाने की भावना अवश्य जगी होगी। तो क्यों ना आप भी उठाएं अपनी कलम और लिख डालें एक सुंदर सी कविता। एक माँ की बेबसी। अभी आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध कवि राजेश जोशी की ये कविता। ध्वनि अंकन बटी लैंगलिंगडो और शानू मुक्सीम। वाचन, ध्वनि संपादन, निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो, तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली।